अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। इससे पहले हमने इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स या इंट्रैक्शन अमंग स्पीशीज़ जो है हमने डिस्कस किया था। तो आज का ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप जो है किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में, सेम स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ या प्लांट और एनिमल के बीच में, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रखते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा होते हैं, दोनों अपने बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम जो रिलेशनशिप है वो बेनिफिट के लिए होते हैं। तो कुछ में हमने कल भी डिस्कस किया था, किसी को फ़ायदा होते हैं, एक को नुकसान होते हैं, या एक को फ़ायदा होते हैं, एक को कुछ भी नहीं होते, ना फ़ायदा ना नुकसान होते, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। आज हम कुछ मेजर रिलेशनशिप जो है डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो इसमें सबसे पहले जो मेजर एक रिलेशनशिप रहता है म्यूचुअलिज्म में आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, हम अच्छे से इसका डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो भी क्वेरीज होगा आप हमें बाद में टेक्स्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक या रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोट्स में इसमें टू ऑर्गेनिज्म जो है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमें बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है जो है लाइकिन। लाइकिन ये भी म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल इंटरेक्शन का एक टाइप्स है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा होते हैं, नुकसान किसी को नहीं होते। लेकिन जो होता है ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी और फंजाई जो है एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा होते हैं। ठीक है, सर्वाइव कर पाते ताकि दोनों। अब इसमें हम देखेंगे, हमें पता है अल्गा जो है, एल्गी प्लांट है, लवर प्लांट है, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स, जिसमें क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक इसमें पिगमेंट्स रहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये अलगल पोर्शन है ये। ठीक है, ये हम अलगल पोर्शन बना रहे हैं, ये अलगल पोर्शन है जो हम ग्रीन है, और जो फंजाई है जिसको हम किंगडम माइकोटा में पढ़ते हैं, किंगडम फंजाई माइकोटा जिसको कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और ये जो फंजाई पार्ट जो है, फंगल पार्ट मेड अप ऑफ हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी हैव एन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सबस्टेटम। इस सबस्टेटम से, सबस्टेटम कुछ भी हो सकते हैं, या एक लॉक हो सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकते हैं, या रॉक हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं सबस्टेटम। ठीक है, तो सबस्टेटम पे बैठ के या किसी रॉक पे बैठ के ये क्या करते हैं, फंगल पार्ट जो है सबस्टेटम से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, या एक रॉक भी हो सकते हैं, जो फंगल पार्ट जो है या सबस्टेटम जो है एक रॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रॉक कुछ भी हो सकता है सबस्टेटम। तो सबस्टेटम पे जो पहले सरफेस पे फंजाई रहेगा, फंजाई एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सबस्टेटम, इन विच फंजाई या फंगल पार्ट जिसमें हाइफी रहते हैं मेनली, फंजाई जो है हाइफी का बना होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सबस्टेटम। अल्गी के लिए जो वाटर एंड मिनरल, वो फंगल पार्ट जो है क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड अलगल पोर्शन क्या करते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं, ये प्रिपेयर फूड। ठीक
ठीक है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ये फूड तैयार करते हैं, तो उस फूड को जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूट विद ईच अदर, जो फूड है वो दोनों मिल बांट के खाते हैं, मीन्स यही दोनों के लिए फायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एमोंग ईच अदर। ठीक है, इन दोनों के लिए फायदा ये है कि अल्गल पोर्शन और फंजाई पोर्शन का दोनों का रोल है, फंजाई पोर्शन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, और अल्गा पोर्शन, ये अल्गा है एल्गी, अल्गल पोर्शन जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन दोनों की हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लाइकेन कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लाइकेन कहते हैं, जिसमें ये दोनों एक साथ रह के सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब जो लाइकेन हो गया, इसके बाद हमें और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विथ लिग्यूमिनस या विथ लिग्यूम प्लांट या लिग्यूम प्लांट्स रूट, इसके रूट के साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहते हैं। लिग्यूम प्लांट में आ गया हमारा दाल वगैरह जो, ठीक है, जितने भी पल्सेस है, अल्फा अल्फा प्लांट है, तो इसके रूट में अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस प्लांट का, तो रूट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर या क्रोन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बॉल जैसा बनते हैं। इस बॉल को हम अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारी बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ पोर्शंस होंगे, इन पोर्शंस में बहुत सारी बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। इन बैक्टीरिया का ये एबिलिटी है कि एटमोसफियर में जो भी नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, ये एब्जॉर्ब करते हैं खुद उस सॉरी इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इंटू NH3 या NH4, ठीक है, एमोनिया या एमोनियम फॉर्म में, NH3 या NH4 फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं, फिर जो है प्लांट उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं तो प्लांट नाइट्रोजन को, डाई नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, NF में NF लिखता हूं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करते हैं द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन, किसको कन्वर्ट करते हैं, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को, कन्वर्ट द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड, यूजफुल कंपाउंड, कंपाउंड फॉर प्लांट, यूजफुल कंपाउंड क्या है इसमें, इसमें यूजफुल जो कंपाउंड है वो अमोनिया या अमोनियम फॉर्म में होते हैं, जो प्लांट जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में प्लांट इसको क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं प्लांट इसको, इन टर्न इसके बदले में प्लांट प्रोवाइड, प्लांट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं शेल्टर, शेल्टर कहां पे, अपनी जो नोड्यूल्स है, ये नोड्यूल है, ठीक है, ये रूट का नोड्यूल है, शेल्टर जिसको हम नोड्यूल कहते हैं, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहे हैं प्लांट की रूट में, उसके बदले में बैक्टीरिया जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके, नहीं तो देखो नाइट्रोजन जो है डाई नाइट्रोजन फॉर्म में होता है एटमोस्फेयर में, जो प्लांट ऐसे नहीं ले सकते, वो प्लांट प्लांट के लिए कोई फायदा नहीं है, तो उस नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं NH3 NH4 में, ठीक है, या अमोनियम फॉर्म में, तो ये अमोनियम फॉर्म प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं, जिसमें मेनली अमाइनो एसिड बनाने में इसके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और प्लांट का रिलेशनशिप, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शॉट लीजिए या साथ साथ वीडियो को बैक करके लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब आ गया रिलेशनशिप, बहुत सारे हैं
इतना सारा डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, तो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पोलिनेटर प्लांट में, पोलिनेटर्स जिसमें कुछ इंसेक्ट रहते हैं मेनली, ठीक है, विथ प्लांट, कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्म में मेनली, एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लोरिंग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें पता है फ्लोरिंग की, फ्लोर में रिप्रोडक्शन के लिए पोलिनेशन होना बहुत जरूरी है। पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा। तो पोलिनेशन करने के लिए कोई ऐसा एजेंट होना चाहिए जो पोलिनेट कर सके, उसमें बहुत सारे होते हैं, विंड होते हैं, वाटर होते हैं, तो कुछ इंसेक्ट जो है पोलिनेट कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई विथ फ्लावर, कोई भी फ्लावर हो जो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, बटरफ्लाई विथ फ्लावर, इसका रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं, बटरफ्लाई और बी भी होते हैं इसमें, जो मक्खी रहते हैं, ठीक है, बी जो हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, सक्स नेक्टर, ये जो है नेक्टर सक करते हैं फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से, ठीक है। तो साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर मूवमेंट करते हैं, उड़ के जाते हैं, तो उसके साथ साथ वो पोलिनेशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इन टर्न दे पोलिनेट, पोलिनेट मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन पोल ग्रेन, पोलिनेट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, ठीक है, जो जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं, पोलिनेट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ये भी एक किस्म का रिलेशनशिप है। इसमें प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बी या बटरफ्लाई के लिए नेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्टर एक लिक्विड, स्वीट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मीठा होते हैं, जिसको जिसके ऊपर जो ये जो बटरफ्लाई बी वगैरह फीड करते हैं, ये उसके उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो उसके बदले में बटरफ्लाई या बी उस फ्लावर में पोलिनेशन कर रहे हैं। ये हो गया और एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम जल्दी जल्दी से कुछ रिलेशनशिप जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और एक आते हैं जिसको हम म्यूचुअलिज्म में पढ़ते हैं, फिर हो गया रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रेप एंड सी एनेमोन, सी एनेमोन। इसमें क्या करते हैं, सी एनेमोन जो है एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सी एनिमल है, ठीक है, एक क्रेचर है, सी में रहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सी एनेमोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सी एनेमोन चल नहीं सकते, ठीक है, जब ये चल नहीं सकते तो एक क्रेप रहते हैं, हर्मिट क्रेप, हर्मिट क्रेप जो है वो खुद तो चल सकते हैं, लेकिन उसको डर रहता है किस चीज का, प्रीडेटर्स का, ठीक है, ये जो हर्मिट क्रेप है इसको डर रहते हैं प्रीडेटर का। तो हर्मिट क्रेप जो है सी एनेमोन को अपने ऊपर उठा के तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, ये हो गया हर्मिट क्रेप, ये हर्मिट क्रेप है, ये है सी एनिमोन, एनिमोन, ANEMONE, ठीक है। सी एनिमोन चल नहीं सकते, लेकिन इसके जो टेंटेकल्स है ये सिटिंग के लिए यूज करते हैं, और फुट पकड़ने के लिए या प्रे वगैरह खुद इसमें से कैप्चर करके खा लेते हैं, ठीक है।
तो हर्मिट क्रैब खुद चल सकते हैं, लेकिन इसको खतरा रहता है प्रीडेटर्स का। तो हर्मिट क्रैब क्या करते हैं, एनीमोन के नीचे बैठ के अपने आप को बचाते हैं प्रीडेटर से, ठीक है। लेकिन इसके बदले में जो ये एनीमोन को, सी एनीमोन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं, सी एनीमोन प्रोटेक्ट द हर्मिट क्रैब फ्रॉम प्रीडेटर्स, शिकारी से क्या करते हैं, वो बचाते हैं प्रीडेटर्स, ठीक है। इन टर्न उसके बदले में हर्मिट क्रेब क्या कर रहे हैं, हर्मिट क्रेब ट्रांसपोर्ट सी एनिमोन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फीडिंग, खाना तलाश करने के लिए, फॉर फीडिंग। इस तरह से हमारी इकोलॉजी में बहुत सारी रिलेशनशिप है। तो फिलहाल हमने तीन जो है मेन रिलेशनशिप जो है डिस्कस किया, जो सब म्यूचुअलिज्म में आते हैं। इसमें हर एक को फायदा है, एक दूसरे को फायदा दे रहे। तो इसमें कुछ रिलेशनशिप पैरासिटिज्म आ गया, जिसमें एक को नुकसान है एक को फायदा है, लेकिन ये भी एक रिलेशनशिप तो है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन और एक आता है ह्यूमन और इकोलाई, ह्यूमन विथ इकोलाई, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इकोलाई रहते हैं, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इकोलाई जो है हमारी, इस ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में लैक्टोज जो होते हैं, जो हम दूध पीते हैं दूध में लैक्टोज होते हैं, इस लैक्टोज को, दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, लेकिन बैक्टीरिया जो है इकोलाई जो है क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर पाता है, क्योंकि इकोलिया खुद एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम ट्रांस एसिटाइलाइज या परमीएस कहते हैं, ठीक है, सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होते हैं। तो ये जो लैक्टोज जो है, जब हम दूध पीते हैं, तो ये इकोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ह्यूमन इकोलाई को क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन इकोलाई को शेल्टर देते हैं, ठीक है, शेल्टर फॉर इकोलाई। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस पे आप नोट्स बना के लिख सकते हैं कि ह्यूमन प्रोवाइड शेल्टर फॉर इकोलाई इन इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इन टर्न इकोलाई डाइजेस्ट द लैक्टोज इनटू, किस में कन्वर्ट करते हैं, गैलेक्टोज और GALACTOS, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी लैक्टोज को, ठीक है। तब जाके हम दूध को डाइजेस्ट कर पाते हैं, नहीं तो हमारा पेट में दूध डाइजेस्ट नहीं होता। ये भी हमारे और इकोलाई के साथ एक रिलेशनशिप रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब तक जो डिस्कस किया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और मोर वीडियोज़ के लिए इस चैनल को, बायो वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।